है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बेहतर है वो। शुक्र ये युसरा को किसने बताया? हम में से तो किसी ने नहीं बताया। हाँ हेलो, नहीं अल्लाह का शुक्र सब खैरियत। हाँ हाँ वो एक्चुअली अभी मिलने की इजाजत नहीं है, आप बाद में आ जाना, अनुषा और मैमा भी घर ही जा रहे हैं। हाँ हाँ अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा बेटा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है राना ने से फोन करके परेशान कर दिया है। मैं शुक्राने की नफरत अदा करके तुम और उषा ड्राइवर के साथ घर से जाओ, मैं यहीं पर ही। नहीं नहीं सही है, फारूक थोड़ा बिलिंग चेक कर लेते हैं आगे, आ जाए। फुर्सत मिल गई घर आने की? तफरी करने नहीं गया था, ऑफिस क्या मतलब? ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे ऑफिस में? केक फोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली तुम्हें? मेरा भाई हॉस्पिटल में है, तुम्हें कोई होश है? युसरा मैं साइट की विजिट पर था, वहां सिग्नल्स नहीं आते इसीलिए कॉल नहीं की। और मुझे नहीं पता हमदान हॉस्पिटल में क्या। ठीक कह रहे हो, कैसे पता चलेगा? जब कॉल करोगे बीवी को तभी पता चलेगा ना कि घर में हो क्या रहा है, लेकिन नहीं। तुम्हारी मुलाजमा को मैंने दो लफ्ज क्या कह दिए, तुम्हें तो आग ही लग गई भाई। कौन है वो मुलाजमा, ये ना या कोई और है? बकवास बंद करो अपनी। होश में हो तुम, क्या कह रही हो? आवाज नीचे रखो। चिल्लाना मुझे भी आता है। और मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? जो देख रही हूं वही कह रही हूं ना। एक तो इंसान वैसे ही इतना परेशान, मेरा भाई हॉस्पिटल में, पता नहीं वहां पे क्या क्या हो रहा होगा, और तुम्हें जरा एहसास नहीं है मेरा। तुम परेशान हो तो इसका मतलब दूसरों को भी परेशान करोगी। दूसरों को ना सही, लेकिन मेरे शौहर को मेरा एहसास होना चाहिए। एहसास है, बहुत अच्छी तरह एहसास है, मगर तुम समझना नहीं चाहती। सब समझ रही हूं। दिल भर गया है ना तुम्हारा, फिर क्यों की थी मुझसे शादी तुमने? दिमाग खराब हो गया था मेरा। ये क्यों नहीं कहते कि पुरानी महबूबा को अब तक अपने दिल से निकाल नहीं सके हो? युसरा ना, ये मुंह बंद रखो तुम तो।
कहां की बात को कहां लेकर जा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? उससे इस तरह बात करोगे? आज तक किसी ने मेरी इतनी इंसल्ट नहीं की। मैं इस घर में अब दो मिनट भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूं मैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिना वजह तमाशा मत बनाओ। तुम कौन मुझे रोकने वाले? लहंगा मुझे हाथ मत लगाने। युसरा, युसरा, युसरा मेरी बात सुनो, युसरा बात सुनो। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, मुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश मत करना। क्या कर रही हो तुम युसरा? क्या मैं नहीं मार रही हूँ? युसरा बात सुन। हारिस, क्या हुआ? और ये कहाँ गई है युसरा? जाए जाके रोके युसरा को, अपने घर जा। बात तो बताओ। अरे आप जाके रोके उसे पहले। What? चली गई है वो। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। और वैसे भी ड्राइवर के सामने क्या बात करती मैं? बात क्या हुई थी तो बताओ प्लीज। कुछ भी नहीं, छोड़े इसे। अरे हारिस, हारिस बताओ तो सही कुछ। हारिस, मैं बस बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके बाय। अरे फराज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। Bro, 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 bro. कब आया अमेरिका से यार? यार मैं लास्ट वीक आया हूँ। तुम बताओ, how's everything? तू बता, यहाँ रुक रहे हैं या फिर जा रहे हैं वापस? बहुत ट्रिकी सवाल किया है तुमने। By the way, I have to go back. मैंने बहुत अच्छा बिजनेस सेट कर लिया वहाँ। Good. और बता, ज़िंदगी कैसी गुजर रही? समझता क्या है खुद को? सोच रहा था कि मुझ पे चीखेगा चिल्लाएगा और मैं उसकी जहालत खामोशी से बर्दाश्त कर लूं। हरगिज नहीं। ऐसी सुनाई है ना मैंने उसे कि जिंदगी भर याद रखेगा। मेरा भाई हॉस्पिटल में, मैं परेशान हूं, सुबह से उसे कॉल कर रही हूं, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। और मैंने उसे ये बताया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने। चीट, अब जब तक वो यहां आके मेरे पैरों पे गिर के माफी नहीं मांगेगा ना, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अब जाना भी नहीं चाहिए तुम्हें। तुम कोई आम कोई गिरी पड़ी लड़की थोड़ी हो। बिल्कुल सही एटीट्यूड है तुम्हारा। ये क्या सिखा रही हैं आप?
फारूक ने सुन लिया ना तो अजाब आ जाएगा। अरे तो मैं क्या सिखा रही हूं? युसरा कोई बच्ची थोड़ी है। हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। आंटी आप क्यों छुपा रही हैं? बताएं ना इन्हें असलियत उस घटिया हारिस की। चुप हो जाओ, शौहर है वो तुम्हारा। आप नहीं जानती ना कि उसने मेरे साथ क्या किया है। दो टके की नौकरानी के लिए उसने मुझे दलील किया है। यानी एक नौकरानी की उसकी नजर में बहुत इज्जत है लेकिन एक बीवी की नहीं। ऐसे इंसान को घटिया नहीं कहूं तो और क्या कहूं? पता नहीं भाई क्या चल रहा था उस घर में। बताया कि मेरा भाई हॉस्पिटल में, लेकिन जरा भी रहमदिली का मुजाहिरा नहीं कि आपके प्यारे हारिस ने। एक बार भी मेरे भाई की खैरियत नहीं पूछी। उसने जो कुछ भी किया था वो तुम्हें अपने घर की हद तक रखना चाहिए। यहां आके नहीं बयान करना चाहिए था, वो भी इनके सामने। जो तुम्हें भड़काती है उल्टा सीधा। पता है ना तुम्हारे बाबा हमदान की वजह से कितने अपसेट हैं? मैं भी बहुत परेशान। उमैमा अब तो मुझ पर इल्जाम लगा रही। मुझे अगर इस तरह से इसको भड़काना ही होता तो मैं इसकी शादी ही क्यों करवाती? आपने कराई है शादी? अगर आपने कराई है ना शादी तो फिर इसको शादी निभाने के अच्छे तरीके बताएं। ना कि उल्टी सीधी बातें बयान करें। एक सेकंड, मुझे उस घर में वापस नहीं जाना।
जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई अहमियत नहीं। नहीं यसरा, तुम्हें वापस जाना होगा। शादी कोई खेल नहीं है, आज खेला कल छोड़ दिया। तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी और तुम जिद करके गई थी उस घर में, अब वही तुम्हारा घर है। ये भी मेरा घर है और मैं जब तक चाहूं यहां रह सकती हूं, आप कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। बल्कि मुझे उस घर में अब वापस जाना ही नहीं, मैं अब हारिस से तलाक चाहती हूं। तलाक तलाक, एक तलाक ले चुकी हो, अब दूसरी तलाक लेने के दर पे खड़ी हो। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये तलाक कितना बड़ा धब्बा है औरत के लिए। वाह भाई, ये तो मेरी तवक्को से ज्यादा अच्छा हो गया। इतनी जल्दी ड्रॉप सी। नदीम से मेरी तलाक आप लोगों ने करवाई थी। मैंने खुद नहीं कहा था आप लोग से कुछ भी। हमने कराई थी तो क्या सारी जिंदगी उसका इंतजार करती घर में बैठ के? वो तुम्हें छोड़ के चला गया था। और ये शादी तुमने अपनी मर्जी और जिद से की थी। अब तुम्हें इसे निभाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निभाना पड़ेगा। माय फुट। ये एटीट्यूड तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम से कम तुम्हें इतना सोचना चाहिए कि हमदान इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं भी उसे देखकर आई। तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं हमदान के लिए, कुछ अंदाजा है? कम से कम यही सोच लेती कि इन बातों का ये वक्त नहीं। ये कौन होती है तुम्हें समझाने वाली? आंटी मुझे
अभी इसी वक्त भाई से मिलने जाना है। मैं तुम्हें सुबह लेके जाऊंगी ना, अब तुम खुद देखो इन लोगों ने हमें कितना गैर बना दिया है कि हमें नौकरों से पता चल रहा है कि हमदान की तबीयत ठीक नहीं है। और तुमने एक और बात नोट की है, ये औरत जो है ना, इसको तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक कह रही। फैज की फिक्र नहीं करें, देख लूंगी। हारिस, ये शादी तुमने अपनी मर्जी और अपनी पसंद से की थी, अब जो भी है ना तुम्हें बर्दाश्त करना होगा क्योंकि तुम्हें निभानी है ये शादी। तुम समझदार हो बेटा, लेकिन उस लड़की में अभी बहुत बचपना है। बचपना नहीं है उसमें अम्मी, खुदसर और घमंडी है। शहर की बात तो छोड़ी दीजिए ना, वो तो उसके सामने एक मुलाजमा है, मगर मैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, सिफर है मेरी हैसियत उसके आगे। इंसल्ट कर रही थी मेरी, इल्जामात लगा रही थी मुझ पे, जबकि मेरा कोई कसूर ही नहीं था। हद हो गई। बीवी है ना मेरी, है ना बीवी। शौहर थका आ रहा घर आया है, उसकी दिलजोई करने के बजाय उल्टे सीधे ताने और इल्जामात लगा रही थी मुझ पर। मुझे नहीं पता हमदान के साथ क्या हुआ, उसका इल्जाम भी मुझे ही दे रही थी वो। देखो हारिस, अब जो कुछ भी है ना, इस सब को बर्दाश्त करना होगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अब कोई ऐसी वैसी बात हुई ना, तो लोग बातें करेंगे कि तुम में कोई नुक्स था, तुम में कोई बुराई थी, तो प्लीज बेटा समझौता करो। एक मिनट, मैं लोगों की वजह से अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दूं, आप ये कहना चाह रही? अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, मैं बात करूंगी उससे, इनफैक्ट मैं उसके उसके फादर से भी बात करूंगी। प्लीज बेटा तुम ऐसा करो, फारूक साहब को फोन करो और उनसे पूछो, खैरियत मालूम करो ना हमदान की। I'm sorry, अम्मी, मैं किसी को कोई फोन नहीं करूंगा। और ये हमदान ना मरता है तो मरे भाड़ में जाए। क्या हुआ, सब खैरियत? वो यसरा हारिस से लड़के घर आ गई है। क्या? और कह रही है कि वापस नहीं जाएगी। तलाक लेगी। पागल हो गई है। एक हफ्ता पहले तो उसकी शादी हुई। वही तो। तो ऐसी क्या बात हो गई है कि वो ऐसी बातें कर रही है? पता नहीं।
हारिस ने शायद मेट के सामने यसरा को कुछ कह दिया, बस उसी पे नाराज है। अरे अभी इतनी छोटी सी बात पर वो तलाक तक कैसे पहुंच सकती? यकीनन कोई और बात नहीं फारूक, मुझे यकीन है बात कोई छोटी ही हुई होगी। और फिर यसरा को तो आप जानते ही हैं, जरा सर ऐसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और फिर हमारे घर में भड़काने वाले भी बहुत बैठे हैं। रायना की बात कर रही? बाजार तो वो यसरा को अपनी बेटी कहती हैं। लेकिन माँ वाली बातें नहीं करती। पहले नदीम जैसे इंसान से यसरा को मिला दिया, और बैठ के वो इश्क परवान चढ़ते हुए देखती रही। और अब हारिस से तलाक लेने के लिए भड़का रही है उसको। अल्लाह जाने इस रायना को अकल कब आएगी। उम्र बढ़ गई है और अकल नहीं आ रही उनको। पता है क्या समझा रही थी यसरा को? कह रही थी कि किसी के सामने झुकने और दबने की कोई जरूरत नहीं, जो दिल में आए वो ही करो। भला ऐसी बातें कोई माँ अपनी बेटी से करती है क्या? तेरा आना तो मैं देख लूंगा। पहले मैं जरा हारिस और निगत से मिला। क्या? नहीं फारूक, अभी हमदान की तबीयत इन सारे मामलात से बढ़कर है। आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए, ये सब हम बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप थोड़ा सा खा लीजिए, आपको ऑफिस भी जाना है। नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना प्लीज। थोड़ा सा खा लीजिए, मैं लगवा रही हूँ। फारूक साहब मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मेरे घर? खैरियत? फारूक साहब हारिस और यसरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आपके घर यसरा का हाथ मांगने आना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। वैसे भी आपकी बेगम किसी ना किसी से मेरी शादी करवाई देंगी। तो फिर हारिस क्यों? और हारिस में कोई बुराई नहीं है, एक बार बराती वापस लेके गया है ना, तो जब भाई अनुषा से शादी कर सकते हैं तो मैं भी हारिस से शादी कर सकती हूँ। लेकिन मेरे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि इस घर में वही होता है जो अनुषा चाहती है। जब से वो आई है यही तो होता आ रहा है। या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल।